देखते हैं कि जिस प्रकार से इनोवेशंस होते हैं, और किसी ने सही कहा है, लड़ाई ज्ञान और विज्ञान की भी हो रही है, ज्ञान से भी समाधान है और विज्ञान के सही उपयोगिता से भी समाधान है। लेकिन ये सही उपयोगिता करने के लिए सही लोगों की आवश्यकता होती है। भारत में ये पहली बार, और मुंबई में तो खासकर पहली बार, ये फैम्टो ये मशीन आप दोनों ने, केनिया हॉस्पिटल ने लाई, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सही आदमी लगता है, मैंने इसके लिए कहा क्योंकि उनका अनुभव भी है दोनों का। इन्होंने इतने लोगों की नजरें ठीक की है कि आगे चलकर उनके विजन भी अच्छे हो गए। किसी ने सही कहा, वन कैन डोनेट द आईज बट वन कैन नॉट डोनेट द विजन। सो ये आंखों के लिए इतना जरूरी मशीन है कि ना इसमें कोई कट है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई हैंड टच है। कोरोना के बाद तो हम लोग सब लोग और ज्यादा क्या कहें उसमें चिंता करते हैं और देखते हैं कि भी कोई नजदीक से बात भी ना करे, कोई हाथ भी ना लगाए। अब ये सब चीजें इस मशीन में, और इसके लिए फेम्टो का ये मशीन जो आपने लाया है उसको व्हील्स भी है, तो ये ऑन द व्हील 365 डेज पूरे मुंबई की सेवा करेंगे, इसका सबसे बड़ा मिलान है। और लोगों को वैसे तो मशीन की जरूरत ही ना पड़े ऐसे कहना पड़ेगा कि लोगों की आंखें ठीक रहे, लेकिन पड़ी तो आपके पास ही आना पड़ेगा और केनिया हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। और मुझे आनंद इस बात का है कि आप रहते भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और केनिया हॉस्पिटल भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो थोड़ा सा मैं भी कॉलर टाइट करता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और हेतल जी है, बबलू भाई है, ये सभी लोग भी इस प्रक्रिया में हम सबको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। मैं तो चाहूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना रहे कि आंखों से संबंधित जो भी चीजें दुनिया में बने वो सबसे पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, हॉस्पिटल से दुनिया को मदद भी मिले। और ये आज आपने लॉन्च किया है, कोई भी चीज का सही लॉन्च मैं तो मानता हूं कि किसी को देने से होता है, लोक कल्याण से होता है। तो इसका एक पहला मेडिकल कैंप, आई चेकअप कैंप हम करेंगे और उस मशीन का फायदा हम और अपने एरिया में करेंगे और आपके घर के नजदीक करेंगे। बोलू भाई लोग लेके आएंगे और लोगों को सुविधा देंगे। आप सबने मुझे सुना, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में जाना है, इसके लिए आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। धन्यवाद। जय जय महाराष्ट्र। मुझे हमेशा इंडियन पेशेंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, मैं कैसे उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकूं, कैसे सेफली रिजल्ट आ सके। कोई भी आँख का ट्रीटमेंट हो तो हमें हमेशा ये लगता है, पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि आँख का ऑपरेशन है, अच्छा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। ये दुविधा से दूर होने के लिए अगर हमारे पास लेज़र की टेक्नोलॉजी हो जो हमें सेफ्टी दे सके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी आज ले आना, उसे अपनाने में थोड़ा समय लगता है, पर कल जाके जैसे हम लोग मोबाइल की टेक्नोलॉजी के, एआई की टेक्नोलॉजी या रोबोट्स की टेक्नोलॉजी के एक हिस्सा धीरे धीरे वो हमारे जीवन में बन ही रहा है, तो हमें आँख के जगत में भी अगर हमको हमारे पेशेंट्स को बेटर सर्जरीज देनी है, बेटर विजन देना है, और जो जो चीज़ें आँख के डिजीज़ जो रिस्की हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वो ये टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो पाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि ये टेक्नोलॉजी आज और बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए, मोर प्रिसिशन, मोर एक्यूरेसी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी, ये सर्जरी को सेफ बनाता है। यहाँ पर सर देखा गया है कि महान मधु आपके सपोर्टर्स थे, उन्होंने ये कहा है कि हर महीना 1000 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट
आप सर्जरी करें, एक रिक्वेस्ट किया गया है जी, कहाँ तक जो है समाज सेवा सक्सेस हो सकती? जी, मेरे पिताश्री डॉक्टर प्रवीण बांजी केनिया के नाम से मैं ऑलरेडी 15 साल से चैरिटेबल विंग में, केनिया आई हॉस्पिटल का चैरिटेबल विंग है केनिया मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, जहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं और कोई भी ऐसा नीडी और अपेक्षा हो कि कोई जटिल समस्या है वो बेशक हमें अप्रोच कर सकता है। हमारे पास आपने देखा कितने सारे डोनर्स हैं जो तत्पर है, क्योंकि उसको पता है कि इधर काम केनिया आई हॉस्पिटल में अच्छा होगा और बेहतर होगा और रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आपके मीडिया के द्वारा कि कोई भी पेशेंट जो निराशा है, जिसे बहुत जगह पे जाके आए हो और निराशा हो, वो भी पेशेंट हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जितने राहत दर पे उसका ऑपरेशन हो सके, हम देखेंगे उसका निःशुल्क ऑपरेशन हो सके, डेफिनेटली हम निःशुल्क ऑपरेशंस करते हैं और करते रहेंगे, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स वैसे ही हैं कि वो कभी भी सेवाभावी है। वो हमेशा, आप कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि कैसे हम कोविड वॉरियर्स, जो ये कोविड की बड़ी विकट समस्या से भी हम साथ में सब जूझे। सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, टेक्निकली दे आर नॉट दैट मच ऑफ एवर टू गो डायरेक्टली विद यू, सो हाउ कैन यू कैन जस्ट गिव सम नंबर और समथिंग दैट? हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, keniaeyehospital.com, या नंबर दे सकता हूँ 9870064240। गणेश ये नंबर पे मिलेंगे और आपको गाइड करेंगे, तो ये नंबर से आप डेफिनेटली हमारा सहयोग कर सकते हो। दूसरा नंबर है 9820092600, इस पर अभिषेक मिलेंगे, इसे भी आप संपर्क कर सकते हो, जो आपको गाइड करेंगे कैसे आगे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। बेशक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है और पैसे की वजह से जो है वो दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे पास इनफ डोनर्स है और उनकी बैकिंग के वजह से आज मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, पैसे के कारण निराशा नहीं होता है, उसका हम लोग समाधान ही करते हैं। और उसका बहुत सारे रोग आपने देखा कि इधर एक सोशल वर्कर ने बताया कि एक ब्लाइंड पेशेंट को लेके आए थे मेरे पास और उनका हमने एक्जाइमर लेज़र द्वारा PTK करके ट्रीटमेंट किया और उसे पहली बार ज़िंदगी में नज़र आई और वो नाचने लगा। ऐसे कई ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं जो अन्य हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, और ये मैं कहूँगा कि मेरा नॉलेज और मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है और मेरे पास जो डोनर्स का बैकिंग है, उससे कोई भी नीडी पेशेंट बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, कितना जरूरी है इस तरह का समाज सेवा? हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो अभी या जो भी डॉक्टर्स हैं उन सबको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि समाज सेवा तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा केन्या मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन लास्ट 15 ईयर्स से फ्री ऑपरेशंस कर रहा है और हम लोग नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंड जो महाराष्ट्र का है उसमें भी एनरोल्ड हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को टारगेट दिए जाते हैं और हमारा ये विंग जो चैरिटेबल विंग है वो ये समाज सेवा करता है। डॉक्टरों के दिल में लोगों के लिए ये तो होना ही चाहिए कि हम फ्री ऑपरेशंस और समाज सेवा करें। देखा गया है तो आँख के साथ भी और भी लेडीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश करेंगे? दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जो केन्या आई हॉस्पिटल है, अभी तो आँख का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक विंग है केन्या डेंटल क्लिनिक। हम दोनों में ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि चैरिटेबल विंग में लोगों की सेवा करें, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ तक लोग दुखी हैं, जहाँ उनका कोई है नहीं, उनको ज़रूरियात है। जो ज़रूरियातमंद हैं उन लोगों का आज कोई भी नहीं है, पर जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास डोनर्स हैं, वो हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल ज़रूर उनको मदद करेगा, हमारी इस विंग में हम उनको निःशुल्क भी ऑपरेशन की सेवा प्रदान करेंगे और वो ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट करें, हम उनकी ज़रूर से मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।